बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। लोमंडी बाट के प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित का आगरा की किस्मत बदलने जा रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि आगरा के नामचीन व्यापारी देवी सरीन ने विद्यालय की कायाकल्प बदलने का बीड़ा ले लिया है। वैसे तो योगी सरकार बेसिक विद्यालयों की दशा दिशा सुधारने के वादे कर रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार पर बजट नहीं है। लोहा मंडी एबीएसए नीलम सिंह ने विद्यालय की भलाई के लिए प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित का में निर्माण कार्य कराने की अनुमति देकर बड़ा रिस्क लिया है। एबीएसए नीलम सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जानकारी दी। विद्यालय मंडी सहित का है, इसका निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया। यहाँ पर जो है इसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण थी। बच्चों के कभी भी कोई हादसा हो, वो जो कमरों में कार्य शुरू कराया गया है उन कमरों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये दो कमरे थोड़े सही कंडीशन में है जिसमें बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि विद्यालय काफ़ी पुराना भी है, काफ़ी वर्षों से इसमें कोई रिपेयरिंग इत्यादि का कोई पैसा भी नहीं प्राप्त हुआ, तो रिपेयरिंग इसलिए हो नहीं पा रही थी। निजी बिल्डिंग है, एक समाज सेवी द्वारा कहा गया कि हम इसमें कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो हमने उनको कहा कि यदि आप हमारे इसमें सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करते हैं, हमारे कमरे सही हो जाएंगे, विद्यालय की स्थिति सही हो जाएगी, बच्चों की बैठने की व्यवस्था सही हो जाएगी। तो उनके द्वारा आज से ये काम शुरू करा दिया गया है। दो कमरों की छतें बन रही हैं, जो भी उनमें मरम्मत है उसका कार्य कराया जाएगा। विद्यालय के प्रांगण में भर्त करा के इसको ऊंचा कराया जाएगा। जब उधर का पोर्शन सही हो जाएगा उसके बाद इधर के पोर्शन में भी काम। विद्यालय शिक्षक विहीन है, इसमें शिक्षा मित्र कार्यरत है, चूँकि शिक्षा मित्रों को वित्तीय चार्ज दे नहीं सकते हैं इसलिए इस विद्यालय का वित्तीय चार्ज सुनील शाक्य को दे दिया गया है, किंतु अभी इनके द्वारा हैंडओवर नहीं किया गया है, हैंडओवर हो जाएगा। उनका काम है वित्तीय चार्ज को संभालना, बाकी विद्यालय का जैसे संचालन चल रहा था उसी तरीके से विधिवत रूप से किया जाएगा। देखिए, विद्यालयों में अभी जो कनेक्शन का और लाइट का पैसा आया है वो 14 विद्यालयों में आया है जूनियर के, उनमें तो व्यवस्था हो ही रही है, और कुछ स्कूलों में इलेक्शन के दौरान हुआ भी है, कनेक्शन और लाइट वगैरह चल रही है। जहां पर नहीं है उसके लिए भी नाम भेजे गए हैं, जैसे ही पैसा आ जाएगा तो उनमें भी ये कनेक्शन और बिजली का काम कराया जाएगा। इस विद्यालय में भी जब से टोरंटो आई है तो यहाँ कनेक्शन हटा दिया गया है, वो भी मैंने कहा है कि आप इसको हम लिखते हैं, उनके द्वारा कनेक्शन कराते हैं, क्योंकि विद्यालय है, बच्चे उमस में बैठते हैं, गर्मी में परेशान बीमार हो सकते हैं, तो प्रयास किया जाएगा कि कनेक्शन हो जाए जल्द। सरकार की जो भी मंशा है वो पूरी तरह प्रभावी की जा रही है, जहां जैसे शौचालय नहीं है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, क्योंकि सिटी में बहुत सारे विद्यालय ऐसे जो किराए की बिल्डिंग में संचालित है। अगर प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य की अनुमति की बात करें तो बिना बीएसए और जिलाधिकारी की अनुमति के मसाला व्यापारी देवी सरीन ने विद्यालय में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी निर्माण कार्य ठेकेदार ने दी। बीकम सिंह, ये ठेका जो स्कूल का वो तुम्हारे पास ही है? हाँ जी। क्या ठेका मिला आपको? ये रिपेयरिंग करने का, इसकी छत बदलनी है और ये प्लास्टर करना है। गेट ये वाला गेट भी चेंज होने हैं, गेट और विंडो चेंज होंगे। जितनी भी दीवार है स्कूल की, हाँ जी, ये बदलनी नहीं है? नहीं, इनमें जो कुछ रिपेयरिंग है वो रिपेयर करना है। छत काहे की डालोगे, लेंटर की डालोगे? नहीं, गाटर पत्थर की छत डालोगे। हाँ जी। अच्छा, किसके अंडर में काम करोगे, किसने ऑर्डर दिया आपको? सरीन साहब क्या करते हैं, कहाँ के हैं ये? ये आगरा के ही हैं। आगरा के हैं, क्या बिजनेस है कुछ पता है आपको? प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित का निर्माण कार्य कितना अनुचित है, कितना उचित, यह तो कराने और करने वाले भलीभांति जानते हैं। यह बेसिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता ही है कि
समाजसेवियों और व्यापारियों से शिक्षा अधिकारियों को सौंदर्यीकरण कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यही कारण है कि अधिकारियों का झुकाव धनाढ्य लोगों के प्रति दिखाई देता है। अगर इस झुकाव को अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।